आइए आज हम बनाते हैं गेहूं के आटे से बहुत ही स्वादिष्ट पेड़े। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मथुरा के पेड़े गेहूं के आटे से। तो देखिए गेहूं के आटे से आज हम बहुत ही टेस्टी पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए देखिए ये एक कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है और इसको कढ़ाई में डालकर एकदम से लो फ्लेम पर इसको भून लेंगे और इस तरीके से लगातार चलाते हुए एकदम लो फ्लेम पर ही भूनें। आप इसको अगर लो फ्लेम पर भूनेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन टाइम हमारा जितना ज़्यादा लगेगा पेड़ा हमारा उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो देखिए इस तरीके से लो फ्लेम पर हम आटे को भून लेंगे। देखिए आटे को हमने 2 मिनट तक भून लिया है, अभी तक हमने इसमें घी नहीं डाला था और अब हम इसमें 2-2 चम्मच करके घी डालना शुरू करेंगे। इसमें एक साथ सारा घी नहीं डालेंगे, घी हमारा पिघला हुआ है इसलिए हम सिर्फ 2-2 चम्मच इसमें घी डालेंगे और घी डालकर इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर 2 मिनट भूनेंगे। फिर थोड़ा सा घी डालेंगे, इस तरीके से करते हुए हम इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए इस तरीके से 2 मिनट हमने फिर भून लिया है, फिर हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देते हैं। इस तरीके से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी मिक्स करेंगे, एक साथ नहीं मिक्स करेंगे और एकदम लो फ्लेम पर इसको भूनते रहेंगे। इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करना है, जितने अच्छे से हम इसको भून लेंगे उतने ही अच्छे पेड़ हमारे तैयार हो जाएंगे। देखिए आटा हमारा हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, अभी हम इसको और भूनेंगे। इस तरीके से 2 चम्मच घी और डाल लेंगे और इस तरीके से भूनेंगे। आटा बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, अगर जल जाएगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसको भूनें। देखिए आटा हमारा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर भूना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर। हमने इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया था तो लगभग 1 कटोरी ही मिल्क पाउडर मिलाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा करके पूरा 1 कटोरी हमने मिल्क पाउडर इसमें डाल दिया है और इसको लो फ्लेम पर ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए मिल्क पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम चला देंगे इसको तो मिक्स हमारा जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अब हम इसमें फ्लेवरिंग के लिए इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा जायफल का पाउडर डाल देंगे। अगर जायफल आपके पास नहीं है तो इस तरीके से क्रश करके भी डाल सकते हैं आप। जायफल डालने से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। इस तरीके से जायफल हम इसको इसमें क्रश करके डाल देंगे, बस इतना ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। और मिक्सर हमारा जब अच्छे से मिक्स ठंडा हो जाएगा, हल्का हल्का गुनगुना रहेगा, तब हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। ये हमारा बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए मिक्सर हमारा हल्का ठंडा हो चुका है, हम हाथ से छू सकते हैं इसको। तो अब हम इसमें
पिसी हुई चीनी मिक्स कर देंगे। आप इसकी जगह बूरा भी मिक्स कर सकते हैं, थोड़ी चीनी हम बचा लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप अगर इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो बारीक बारीक कट करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी डालते हैं तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो हम इसमें बिना ड्राई फ्रूट के बना रहे हैं इसको। देखिए इसको इस तरीके से लड्डू की तरीके बांध कर देखते हैं, अगर नहीं ठीक से बंध रहा है तो इसमें आप बाइंडिंग के लिए हल्का सा घी और मिक्स कर सकते हैं। देखिए वैसे तो ये इस तरीके से बंध जाएगा, और बंधने के बाद आप इसको किसी भी शेप, अभी देखिए कम बंध रहा है, इसमें हल्का सा घी हम और डाल लेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें 2-3 चम्मच दूध भी, ठंडा दूध मिक्स कर सकते हैं, उससे भी इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। लेकिन दूध डालने से इसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है, इसलिए इसमें दूध नहीं मिक्स करेंगे। और इस तरीके से बनाने में ये लगभग कम से कम 3 से 4 महीने तक हम इसको रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो गई है। लेकिन आप यकीन मानिए ये इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा कि आपके 3 से 4 महीने तक ये बचेगा ही नहीं, पहले ही चट हो जाएगा। तो देखिए इनको इस तरीके से, जिस तरीके से मथुरा के पेड़ों का साइज होता है उस तरीके से इसको हम थोड़ा सा शेप देते हुए चौकोर सा बना लेंगे। अभी हम सारे पहले बना कर रख लेंगे, उसके बाद हम ऊपर से इसमें चीनी लगाएंगे। इस तरीके से शेप में हम पहले सारे पेड़ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके सारे पेड़ हमने बनाकर तैयार कर लिया है, और ये बची हुई चीनी जो हमने ली है इससे हम इस तरीके से इनमें हल्का हल्का कोट कर देंगे, ताकि ये देखने में थोड़े सुंदर दिखने लगें। इस तरीके से हल्की हल्की सी कोटिंग कर देंगे इनमें हम। देखिए हम सभी में अगर आप ना चाहें तो इनको ऐसे भी रख सकते हैं बिना कोटिंग किए, लेकिन इस तरीके से हल्का सा कोट कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगेंगे देखने में ये। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे पेड़ों में कोटिंग कर दिया है। तो आपने देखा ये गेहूं के आटे से मथुरा के पेड़े बनाना कितना ही आसान है, और हम इनको तोड़ के दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितने अच्छे और भूरे भूरे ये मथुरा के पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके लिए मुझे अगली रेसिपी क्या बनाना है।